हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 6th of July 2020। तो 6 जुलाई 2020 का कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, दोज हु वांट टू जॉइन द यूपीएससी प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज जिसमें भी 60 से 70 वीडियो रिलीज होने हैं, अभी छः वीडियोज रिलीज हो चुके हैं प्लस एक डेमो वीडियो रिलीज हो चुका है। तो अगर आपको सारा देखना है तो आप नीचे लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी आप ज्वाइन करेंगे आपको सारे वीडियोज ओपन मिलेंगे। इसके अलावा हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिंक भी नीचे है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट बिफोर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला क्वेश्चन है, कोडावास आर ए स्मॉल मार्शल कम्युनिटी इनहैबिटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। इनमें से कौन से स्टेट्स में कोडावास रहते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है ये। ऑप्शन आर ए गोवा, बी केरला, सी कर्नाटक या डी तमिलनाडु। थिंक ऑफ द आंसर एंड नॉट लेट मी टेल यू द आंसर। आंसर फॉर दिस विल बी सी कर्नाटका। ओके, तो सी कर्नाटका विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। कोडावास जो रहते हैं कर्नाटका में रहते हैं, तो याद रखिएगा। अब इनको अभी न्यूज़ में क्यों थे? क्योंकि ये फायर आर्म्स कैरी कर सकते हैं विदाउट एनी लाइसेंस। तो 2029 तक इनका एक्सटेंड कर दिया गया है। कोडागू कर्नाटका में रहते हैं, कूर्ग वाले रीजन में, और इनको फायर आर्म्स कैरी करने का अलाउ किया गया है विदाउट एनी लाइसेंस। दूसरा क्वेश्चन है, साफिर सिम्पसन स्केल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। साफिर सिम्पसन स्केल इनमें से किससे रिलेटेड? ऑप्शन सर ए हरिकेन, बी अर्थक्वेक, सी हीट वेव, से डी वोल्केनिक इरप्शन। कई बार मैंने आपको पढ़ाया था, करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ए हरिकेन। तो हरिकेन से रिलेटेड है साफिर सिम्पसन स्केल, उसकी इंटेंसिटी बताता है। आप तो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, गुंडला ब्रह्मेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन। तो गुंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनमें से कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शन आर ए उड़ीसा, बी कर्नाटका, सी आंध्र प्रदेश या डी हिमाचल प्रदेश। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी सी आंध्र प्रदेश। तो सी विल बी द आंसर, सी आंध्र प्रदेश विल बी द आंसर। सो दीज आर द थ्री क्वेश्चन फॉर यू टूडे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। नाउ लेट्स मूव टू द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट। पहली न्यूज़ है, चाइना डबल्स डाउन ऑन क्लेम्स ऑन ईस्टर्न भूटान बाउंड्री। तो ये आपको मैप दिख रहा होगा, ये भूटान का मैप है। देखो यहाँ की जो ईस्टर्न बाउंड्री जिसको कि साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ पर आते हैं, तो वहाँ तक का पूरा क्लेम बेसिकली चाइना करने लगा है। ईस्टर्न बाउंड्री में जो उनका क्लेम था उसको डबल कर दिया चाइना ने। तो चाइना इज इंक्रीजिंग द क्लेम ऑफ दिस भूटान ईस्टर्न बाउंड्री, और ये साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में भी ये इंपॉर्टेंट रहेगी। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो भूटान में है। और ये किसको, देखो बॉर्डर इसका कहाँ पे हो रहा है? इसका बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन से हो रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि डिप्लोमेटिकली ये इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, ठीक है ना। और ये आपको याद रखना है। अगर भूटान आपसे पूछा जाए कि भूटान इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स को टच करता है, तो ये देखो ये सिक्किम को टच कर रहा है सी एस, फिर यहाँ पे ये वेस्ट बंगाल को टच कर रहा है बंगाल, देन ये आसाम को टच कर रहा है, और यहाँ पे ये आपके अरुणाचल प्रदेश को टच कर रहा है। तो इसको टच करता है एस ए ए बी, साब बोलते हैं इसको, साब। ओके, तो म्यांमार, अगर पूछे कि भूटान किसको टच करता है इंडिया में, तो साब, यानी कि एस सिक्किम, ए अरुणाचल प्रदेश, ए असम, और ए बी से आपका बंगाल या वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो ये आपको दिख रहा होगा साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पे भी क्लेम किया गया है। और यहाँ आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड क्लोज टू द बॉर्डर विद अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश से क्लोज बॉर्डर ये रखता है। अब हुआ क्या है, बेसिकली चाइना ने क्या अटेम्प्ट किया है? चाइना ने ये कहा है कि यूएनडीपी का जो जीईएफ यानी कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी वाला प्रोग्राम है, जिसके थ्रू वो मनी प्रोवाइड करता है, तो उन्होंने यूएनडीपी के ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी को कहा है कि आप साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की फंडिंग जो है उसको बंद कर दो, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड है। ओके, उसकी फंडिंग को रोकने का काम किया है, और इस कारण से भूटान काफ़ी ज़्यादा नाखुश है। उन्होंने कहा कि ये तो पहले भी था, लेकिन पहले तो कभी नहीं रोका गया, तो अभी अचानक से कैसे क्लेम कर रहे हैं, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। ये बेसिकली रियो अर्थ समिट 1992 में स्टार्ट की गई थी, जो कि वाशिंगटन बेस्ड है, याद रखिएगा ये वाशिंगटन बेस्ड है। और 1992 रियो अर्थ समिट के समय इसको स्टार्ट करने के बाद इसको स्टार्ट किया गया था। ये एक जॉइंटली मैनेज किया जाता है बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, क्योंकि हमने पीछे देखा यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक और यूएनईपी, ठीक है ना, यूएनडीपी डेवलपमेंट प्रोग्राम और वर्ल्ड बैंक और आपका इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इन तीनों के थ्रू बेसिकली किया जाता है, ठीक है ना।
और ये 183 नेशंस आर यूनाइटेड अंडर GEF इन पार्टनरशिप, तो नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं रहते कि कितने नेशन इम्पोर्ट कितने हैं कितने नहीं हैं। अब याद रखिए कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के 6 फोकस एरियाज हैं। पहला है बायोडाइवर्सिटी, दूसरा है क्लाइमेट चेंज, तीसरा है इंटरनेशनल वाटर्स, चौथा है ओजोन डिप्लीशन, पांचवा है लैंड डिग्रेडेशन एंड छठवां है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। तो ये 6 बेसिकली फोकल एरियाज हैं जहाँ पर कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी काम करता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि GEF का यूनिक गवर्निंग स्ट्रक्चर है जिसकी अराउंड ऑर्गेनाइज्ड अराउंड एन असेंबली, द काउंसिल एंड द सेक्रेटेरिएट। याद रखिएगा इसमें एक असेंबली होती है, काउंसिल होता है, सेक्रेटेरिएट होता है, 18 एजेंसीज, अ साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी पैनल जिसको स्टैप बोलते हैं, साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी पैनल एंड एन इवेल्यूएशन ऑफिस। देखिए इवेल्यूएशन ऑफिस होता है, 18 एजेंसीज हैं, एक साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी पैनल है, एक असेंबली है, काउंसिल एंड सेक्रेटेरिएट है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कन्वेंशन इसके अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से कन्वेंशन का फाइनेंशियल मैकेनिज्म सर्व करता है GEF। तो 5 का ही करता है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का करता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का करता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का करता है, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स का करता है, मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्करी का करता है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, यही क्वेश्चन आएगा UPSC में, अगर UPSC इस में से क्वेश्चन पूछेंगे ना तो इन्हीं में से पूछेगी कि इनमें से किसका किसका फाइनेंशियल मैकेनिज्म सर्व करता है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CVD का करता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का करता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का करता है, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट का करता है, मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्करी का करता है। तो ये आपको याद रखना है। नीचे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी इज़ नॉट लिंक्ड टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड नहीं है, देन ऑल्सो इट सपोर्ट्स द इम्प्लीमेंटेशन इन वेरियस कंट्रीज। याद रखिएगा तब भी ये इसके इम्प्लीमेंटेशन को सपोर्ट करता है, लेकिन क्या इसके फाइनेंशियल मैकेनिज्म की तरह सर्व करता है? तो नहीं, वो केवल 5 चीजों का करता है जो ऊपर मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो कंफ्यूज करने के लिए UPSC को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी दे देगा, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मत कर देना क्योंकि वो उससे लिंक्ड नहीं है। ओके, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी इज नॉट लिंक्ड विद द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये लिखा है साफ साफ और इसको याद रखना, यही क्वेश्चन आएगा अगर क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, तो ये वाली न्यूज़ आई होप आपको समझ में आ गई होगी, इन्होंने इसके बॉर्डर को क्लेम करना शुरू कर दिया है। अब कुछ फैक्ट्स जो लिखे थे देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब भूटान और चाइना का कोई भी ऐसा बेसिकली डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं है, भूटान और चाइना का कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी जो बाउंड्री निगोशिएशन से कई बार 1984 से लेकर 2016 तक कई बार ये बाउंड्री निगोशिएशन किए जा चुके हैं, ठीक है ना। 2017 में जब दोकलाम इशू हुआ है उसके बाद से कोई भी इनके बीच में वो नहीं किया गया। भूटान ने कहा है कि आपने क्यों ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी में जाकर के शिकायत कर दी हमारी, और क्यों आपने उसके साक्तिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो फंड मिल सकता था ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी से उसको रोकने की कोशिश की। तो ये चीज़ें भूटान ने ज़रूर उठाई है, ये आपको याद रखना है। आगे मूव करते हैं, नीचे से देखते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट, ताकि पहले न्यूज़ कंप्लीट कर लें उसके बाद हम एडिटोरियल में आएंगे। द सीक्रेट ऑफ हाउ कैटरपिलर्स टेम एंट्स, ओके। तो है क्या बेसिकली इसमें न्यूज़, कि बटरफ्लाइज ऑफ द फैमिली लिसाइनिडे, ओके याद रखिएगा, बटरफ्लाइज ऑफ द फैमिली लाइकाइनिडे या लिसाइनिडे जो भी बोलना है आपको, नोन एज ब्लूज एंड हेयर स्ट्रीक्स, इनको ब्लूज या हेयर स्ट्रीक्स कहा जाता है, दे हैव over millions of years evolved a range of adaptations that have tamed their ferocious ant predators. तो इन्होंने इन butterflies ने जो ये Lysaenidae family की हैं या blue and hair streaks जो blues and hair streaks कहलाती हैं, इन्होंने adaptation कर करके basically एक तरीके से अपने predators को tame कर लिया है, ऐसा कहा ना कि हमने predators को tame कर लिया है। कैसे टीम कर लिया है? देखो ये एंट्स जो होती हैं इनकी प्रेडेटर्स होती हैं, लेकिन फिर भी ये इस तरह से रखते हैं कि वो इनको प्रोटेक्ट करने लगती हैं, ठीक है ना। कैसे होता है ऐसा, अब इसका नॉर्मल मैं आपको बता देता हूँ, है क्या कि इसमें कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं इनके जो कैटरपिलर्स रहते हैं उनके कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिनको कि जो कि रिजेंबल करने लगते हैं एंट्स को, दे रिजेंबल द एंट्स। नाउ द ऑर्गन्स ऑफ द कैटरपिलर्स प्राइमरली स्टडीड बाय द साइंटिस्ट आर कॉल्ड ड्यू पैचेस इन सम स्पीशीज एंड नेक्टर ग्लैंड्स इन अदर, ओके। अब ड्यू पैचेस एंड नेक्टर ग्लैंड्स के कुछ और ऑर्गन्स रहते हैं, ये होता क्या है, दीज ऑर्गन्स प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट रिच सिक्रीशंस टू अट्रैक्ट एंड रिवॉर्ड द टेंडिंग एंट्स, ओके। तो जो एंट्स होती हैं जो उनको प्रोटेक्ट करती
होती हैं उनके लिए कुछ सिक्रीशंस निकलते हैं इनके नेक्टर ग्लैंड से या पैचेस, उन्हीं को पैचेस कहा जाता है या नेक्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो यही चीज़ रिसर्च में पता चली कि ऐसे सिक्रीशंस निकालते हैं जिनको कि ड्रिंक करती हैं एंट्स, और इस कारण से वो दे आर इंटरेस्टेड इन प्रोटेक्टिंग देम। ओके, देयरफॉर दे आर प्रोटेक्टिंग द कैटरपिलर्स, इसी कारण से कैटरपिलर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ और स्पीशीज थी जैसे कि ये लिलैक सिल्वरीन जो है डिपॉजिट देयर एग एट द एंट्रेंस ऑफ कॉकटेल आंट नेस्ट। तो कॉकटेल आंट्स होती हैं और लिलैक सिल्वर लाइन आपके बटरफ्लाइज होते हैं, कैटरपिलर्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने बटरफ्लाइज अपने एग्स को इनके जो कॉकटेल आंट्स हैं इनके सामने रख देते हैं, और इसके बाद ये यहाँ से चले जाते हैं। ये क्या करते हैं, दे रिजेंबल सम ऑफ द पार्ट्स, वो कुछ पार्ट रिजेंबल करते हैं आंट्स के जैसे, इस कारण से फिर आंट्स उनको प्रोटेक्ट करने लगती हैं। और बाद में हमने नेक्टर ग्लैंड्स और पैचेस का तो देख ही लिया कि नेक्टर ग्लैंड्स एंड पैचेस से वो सिक्रीशंस निकालते हैं, जिस कारण से उन सिक्रीशंस को ड्रिंक कौन करता है, एंट्स ड्रिंक करती हैं, और इस कारण से बेसिकली वो उनको प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये आपको याद रखना है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। अमरनाथ यात्रा टू स्किप द ट्रेडिशनल रूट। अब अमरनाथ यात्रा इस बार अभी भी चल रही है, 500 पिलग्रिम्स के लिए जाएगी, अलाउड रहेगी, जो कि ट्रैक करेंगे फॉर द होली श्राइन। ये इस बार ट्रैक करेंगे बाल्टल एरिया ऑफ सेंट्रल कश्मीर से, याद रखिएगा बाल्टल एरिया ऑफ सेंट्रल कश्मीर। ओनली 500 पिलग्रिम्स विल बी अलाउड अ डे दिस ईयर, केवल 500 पिलग्रिम्स विल बी अलाउड अ डे दिस ईयर, एंड दे हैव टू गो बाय रोड फ्रॉम जम्मू, दे हैव टू गो बाय रोड फ्रॉम जम्मू। ओके, याद रखिएगा। और अमरनाथ को बेसिकली रेगुलेट कौन करता है, तो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड, SASB, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड रेगुलेट करता है इस पिलग्रिमेज साइट को, याद रखिएगा। दिस इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ओके, ओनली 500 पिलग्रिम्स विल बी अलाउड टू ट्रैक टू द होली श्राइन फ्रॉम द बाल्टल एरिया ऑफ सेंट्रल कश्मीर। तो मैं जो स्पेशली आपको बताना था वो बाल्टल एरिया के बारे में बताना था। अगर आपसे कोई पूछे कि बाल्टल एरिया कहाँ पर आता है, क्यों न्यूज़ में था, क्या है, तो बाल्टल एरिया सेंट्रल कश्मीर का रीजन है जो कि अभी अमरनाथ यात्रा के कारण न्यूज़ में था। दैट इज़ अनदर थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। और अमरनाथ यात्रा इज़ द फर्स्ट थिंग दैट हैज़, जो कि पिलग्रिमेज बेस्ड थिंग है, जो कि COVID-19 के बाद स्टार्ट हुई है, और दूसरे सारे रिलीजियस इवेंट्स जो हैं वो बंद रखे गए हैं। FAO issues locust alert for India. तो यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने लोकस्ट अलर्ट इशू किया है इंडिया के लिए। जो मोस्ट अफेक्टेड स्टेट है वो राजस्थान है, दूसरे स्टेट्स जो कि अफेक्टेड हैं वो हैं मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा एंड बिहार। मोस्ट अफेक्टेड राजस्थान, उसके अलावा मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा एंड बिहार, ये आपको याद रखना है। तो FAO के बारे में, FAO के बारे में आपको थोड़ी चीज़ बता देता हूँ। FAO बेसिकली फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, याद रखिएगा, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, दैट लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर। मेन इसका जो एम है वो है टू डिफीट हंगर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम इटली में सिचुएटेड है, द हेडक्वार्टर ऑफ इट इज सिचुएटेड इन रोम इटली। बनी कब थी, तो 16 अक्टूबर 1945 को बनी थी, 16th October 1945। अगर आपसे कोई पूछे कि गोल ऑफ FAO क्या है, दैट इज टू अचीव फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल, द गोल इज टू अचीव फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल एंड मेक श्योर दैट पीपल हैव रेगुलर एक्सेस एंड इनफ हाई क्वालिटी फूड टू लीड हेल्दी लाइफ्स। ओके, तो इसका मेन ये है कि फूड सिक्योरिटी सबको मिली रहे। 16 अक्टूबर 1945 को बना था, हेडक्वार्टर इसका रोम इटली में है, UN की ऑर्गेनाइजेशन है। FAO काउंसिल क्या है, तो इसका ओरिजिन होता है एट द थर्ड सेशन 1947 टू रिप्लेस द ओरिजिनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ FAO। तो ओरिजिनली यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, लेकिन 1947 जो इसका थर्ड सेशन था उसमें इसको हटा करके FAO काउंसिल बना दिया गया। काउंसिल का पर्पस क्या था, काउंसिल का पर्पस था बेसिकली टू एक्ट एज कॉन्फ्रेंस एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। ओके, तो इस पूरे बॉडी के एग्जीक्यूटिव ऑर्गन की तरह काम करना इस काउंसिल का मेन एम था। तो आप ये भी याद रख सकते हैं, दिस इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। I hope you got clarity regarding that. Central Vista Project, DUAC member quits. अब Central Vista Project, आप सबको पता है कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने की बात चल रही है, न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाने की बात चल रही है, और उस पूरे एरिया का एक तरह से रीडेवलपमेंट करने की बात चल रही है जिसमें 1,000 crore से ज़्यादा रुपए लगेंगे। तो सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट इसको बोलते हैं, 3.2 किलोमीटर का एरिया है जिसको कि रीडेवलप किया जा रहा है बेसिकली। ये सब ऑलरेडी अच्छा एरिया था, इसको फिर से रीडेवलप करने की जरूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी किया जा रहा है, नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई जा रही है। इस कारण से अभी रिसेंटली इसको अप्रूवल मिल गया था दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन का,
तो दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन का जैसे इसको अप्रूवल दिया गया, उसकी एक मेंबर जो थी उन्होंने मतलब कि रिज़ाइन कर दिया ऑन पर्सनल ग्राउंड्स, और उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। तो अब ये तो लोग कह रहे हैं कि इन्होंने पर्सनल ग्राउंड्स में किया, लेकिन हो सकता है कि इन प्रोटेस्ट उन्होंने ये किया हो सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट से रिज़ाइन। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि अभी सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, मीन ये इनका रेजिग्नेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इशू कंपल्सरी लाइसेंसेस फॉर जेनरिक रेमडेसिविर। तो अब यहाँ पे CPIM का कहना है कि रेमडेसिविर की जो मेडिसिन है जिसको कि अलाउ किया गया है फॉर द कोविड 19 ट्रीटमेंट, एक एंटीवायरल ड्रग है जिसका कोविड 19 में यूज़ किया जा रहा है, इट्स एन एंटीवायरल ड्रग, तो उन्होंने कहा कि इसको कंपल्सरी लाइसेंसिंग के अंदर रख दो। अब देखो कंपल्सरी लाइसेंसिंग होती क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, कंपल्सरी लाइसेंसिंग का मतलब है ऑथराइजेशन गिवन टू अ थर्ड पार्टी बाय कंट्रोलर जनरल टू मेक यूज और सेल अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और यूज अ पर्टिकुलर प्रोसेस विच हैज़ बीन पेटेंटेड विदाउट द नीड ऑफ द परमिशन ऑफ द पेटेंट ओनर। मतलब अगर कोई चीज़ पेटेंट की जा चुकी है, जैसे कि रेमडेसिविर को पेटेंट किया जा चुका है, तो उसको उसके पेटेंट ओनर की मतलब कि इजाजत के बिना, उसके परमिशन के बिना, पेटेंट ओनर की परमिशन के बिना गवर्नमेंट अगर चाहे, यानी कि कंट्रोल जनरल अगर चाहे, तो वो कंपलसरी लाइसेंसिंग दे सकता है। मतलब कि उसमें आपको फिर पेटेंट ओनर की परमिशन नहीं चाहिए, आप उस चीज़ को दोबारा सेल कर सकते हो, उसको रीमेक कर सकते हो दूसरे नाम से, उसका कंपोजिशन वही रख सकते हो, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना है। ये कंसेप्ट ऐसा है कि ये नेशनल इंटरनेशनल दोनों लेवल पर एक्सेप्ट किया जाता है, ऐसा नहीं कि इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के अंदर भी है और ये आपका बेसिकली ट्रिप्स के अंदर भी है। तो याद रखिएगा इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के अंतर्गत भी इसकी आता है और ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर भी इसको इंक्लूड किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ है, ये कई बार होते रही है। अब इसका इंपॉर्टेंट याद रखें कि इसमें एक आर्टिकल है, इसका जो सबसे पहला कंपल्सरी लाइसेंसिंग इंडिया में दिया गया था तो वो नैटको फार्मा को दिया गया था फॉर जेनरिक प्रोडक्शन ऑफ बेयर कॉरपोरेशन नेक्सावार। तो नेक्सावार नाम की एक दवाई आई थी जो कि 2.8 लाख की थी उस समय, 2.8 लाख के डोसेज थे उसके नेक्सावार के। तो नैटको फार्मा को फिर इसका जेनरिक दिया गया और 9000 में, सोच लो 2.5 लाख से ज़्यादा, और यहाँ 9000 में फिर उसका अफोर्डेबल बना दिया गया उसको, और नेक्सावार का जो वो था उसको यूज़ करने लगे, ठीक है ना। नेक्सावार वाज अ लाइफ सेविंग ड्रग मेडिसिन यूज फॉर ट्रीटिंग लीवर एंड किडनी कैंसर। तो नेक्सावार का जो यूज़ था वो किडनी कैंसर और लीवर कैंसर में यूज़ किया जा रहा था, और फिर जब नैटको फार्मा को मिला तो नैटको फार्मा ने इसका जेनरिक वर्जन बनाया और 9000 में देने लगे, वैसे ही 2.8 लाख का था। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक सेक्शन है, देखो एक तो सेक्शन इसमें ऐसा है कि दूसरे लोग अप्लाई कर सकते हैं 3 साल के बाद कंपल्सरी लाइसेंसिंग के लिए, सेक्शन 84 के अंतर्गत, ठीक है ना, सेक्शन 84 के अंतर्गत, ओके। एंड दूसरा जो है सेक्शन, वो सेक्शन 92 है। सेक्शन 92 क्या बोलता है कि नेशनल इमरजेंसी है या एक्सट्रीम अर्जेंसी है या पब्लिक नॉन कमर्शियल, तो पब्लिक नॉन कमर्शियल के लिए आप कंपल्सरी लाइसेंसिंग इशू कर सकते हैं, सेक्शन 92 ऐसा बोलता है, ठीक है ना, पेटेंट एक्ट का सेक्शन 92 ऐसा कहता है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट कंपल्सरी लाइसेंसिंग के बारे में, आपको ये चीज़ें याद रखनी है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, समझ में भी आ गया होगा आपको, है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। तो यहाँ पे अब एडिटोरियल में हम आते हैं, हाउ टू काउंटर चाइना, जो पहला एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है हाउ टू काउंटर चाइना। तो यहाँ पे ऑथर ने सबसे पहले बताया कि चाइना ने बहुत जल्दी रिफॉर्म्स लिए थे, 1978 के आसपास ही उन्होंने रिफॉर्म लेना शुरू किया, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड उसको बोलते उस टाइम पीरियड को, तो उन्होंने रिफॉर्म्स लेना शुरू कर दिए, हमने थोड़ा स्लो रिफॉर्म लिए। 1987 में अगर हम देखें तो दोनों कंट्री की जो नॉमिनल GDP थी वो लगभग सेम थी, लगभग सिमिलर थी, और अभी अगर 2019 में देखें तो चाइना की जो इकॉनमी है वो हमारी इंडिया की इकॉनमी से 5 गुना ज़्यादा बड़ी है, ओके 5 टाइम्स के आसपास है। तो क्या कंस्ट्रेंट्स ऐसे हैं इंडिया में जो कि इन हमको लिमिट कर रहे हैं, तो द कंस्ट्रेंट देखो इंडिया में क्या क्या है, लिमिटेड फिस्कल एंड मॉनेटरी टूल्स, हमारे पास फिस्कल एंड मॉनेटरी टूल्स लिमिटेड है। ड्राइड अप प्राइवेट फाइनेंसिंग, प्राइवेट फाइनेंसिंग हमारी बिल्कुल सूख गई है, कोई नहीं कर रहा, ठीक है ना। हाइटेंड विजिलेंस अलॉन्ग LAC डिमांड समनिंग स्केर्स रिसोर्सेज, और बॉर्डर में भी हमारे टेंशंस रहती है तो हमारे को और ज़्यादा रिसोर्सेज वहाँ देने पड़ते हैं। डिफेंस बजट जो थे वो ऑलरेडी टाइट होते जा रहे थे, ठीक है ना, और ये सारी चीज़ें मिलकर के क्या कर रही हैं कि हमको और ज़्यादा परेशान करती जा रही है। कोविड 19 अलग से आई गए इसके बाद, ठीक है ना, तो ये ऑलरेडी कंस्ट्रेंट्स हमारे इंडिया में चल रहे थे। रूट कॉज जो इकोनॉमिक वूज का इंडिया के लिए है वो है स्लो डाउन इन द रिफॉर्म्स, जो हमने रिफॉर्म्स लेने में 1991 लगा दिया, वो 1970s में रिफॉर्म ले गए, हम उनसे लगभग 15-16 साल पीछे रह गए और 1991 में जाके हमने रिफॉर्म किया, वो भी बहुत फोर्सफुली रिफॉर्म किया, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हमारा वॉलंटरी रिफॉर्म था, वो फोर्सफुल रिफॉर्म था। अब इंडिया को क्या करना चाहिए, तो ऑथर
ऑथर ने यहाँ पे इंडिया को कहा है कि सबसे पहले आपको इंक्रीज एक्सपोर्ट्स एंड इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट, आपको इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना पड़ेगा आपकी कंट्री में होने वाला उसको बनाना पड़ेगा, आपको एक्सपोर्ट इंक्रीज करने पड़ेंगे, आपको वेल पेइंग जॉब्स लाने पड़ेंगे, आप टेक्नोलॉजिकल नो हाउ लेके आओ। तो ये चार चीज़ें करो, एक्सपोर्ट को बढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दो, जॉब्स को अच्छे पेइंग गुड पेइंग जॉब्स को बनाओ और टेक्निकल नो हाउ को इंपॉर्टेंटली इंक्लूड करो। ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आप लिबरलाइजेशन रखो। ऑथर का यहाँ कहना है कि लिबरलाइजेशन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसको कि रखना जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट कब आएगा, जब लिबरलाइजेशन रहेगा, एक्सपोर्ट कब होगा आपका, जब लिबरलाइजेशन रहेगा, ठीक है ना। तो लिबरलाइजेशन आपको करना ही पड़ेगा। वहीं पे आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो आत्मनिर्भर बनेंगे और ज़्यादा क्लोज करेंगे। तो आत्मनिर्भरता का मतलब होना चाहिए कि जिन सेक्टर्स में आप कर सकते हो उन सेक्टर्स में आप करो, जहाँ पे आप प्रोडक्शन कर सकते हो वहाँ पे मेक इन इंडिया का यूज़ करो, ऐसा मत करो लेकिन कि प्रोटेक्शनिज्म कर दो और क्लोज इकोनॉमी कर दो, ठीक है ना। तो ऑथर ने ये चीज़ यहाँ पे सलाह दी है कि आपको क्लोज इकोनॉमी नहीं करनी है, लिबरलाइजेशन विल बी द सोल्यूशन, लिबरलाइजेशन का यूज़ ज़रूर करना है, ठीक है ना। और अगर आप इस तरह से सारी कैपेबिलिटीज़ को इंक्लूड कर पाए और स्ट्रेंथन कर पाए तो आप जरूर चाइना को काउंटर कर लोगे। दूसरा जो आर्टिकल है वो है द सर्च फॉर यूनिटी इन द मोमेंट ऑफ क्राइसिस। इस आर्टिकल में बेसिकली ऑथर ने दो मेजर इश्यूज उठाए हैं। पहला चीज कि दिस लॉकडाउन फेल्ड टू डील विद द ट्रिमेंडस डिस्ट्रेस ऑफ माइग्रेंट लेबर्स, मतलब कि ये जो माइग्रेंट लेबर्स का इशू था उसको अच्छे से डील नहीं कर पाया, ये पूरा जो क्राइसिस था और बहुत परेशान हुए माइग्रेंट लेबर्स। दूसरा ये था कि यहाँ पे एक जो कम्युनल हारमोनी थी जो होनी चाहिए थी देखने को, जैसे कि अन्य किसी तरह की नेशनल लेवल की इमरजेंसी में होती, वो बिल्कुल नहीं देखने को मिली और बल्कि और ज़्यादा कम्युनल गैप एक क्रिएट हो गया। अब ऑथर ने पहला जो इशू उठाया उसको ये उठाया है कि जो अगर आप देखो तो लॉकडाउन जब इनिशिएट किया गया तो किसी भी स्टेट से कोई डिस्कशन नहीं किया गया। व्हेन द लॉकडाउन वाज इन स्टार्टेड नो डिस्कशन वाज डन विद एनी ऑफ द स्टेट्स एंड ऑल, लेकिन जब लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया तब जरूर कंसल्टेशन किया गया। तो आपको जब पहले ही डिस्कशन कर लेना चाहिए था जब इंक्लूड आप कर रहे थे, इनिशिएट कर रहे थे, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि जो माइग्रेंट्स हैं उनको इतनी परेशानी से बचाया जा सकता था अगर आप थोड़ा डिस्कशन कर लेते तो। दूसरा इसमें कम्युनल एंगल भी था, ऑथर ने कहा कि जैसे तबलीगी जमात का जो एंगल था, इसके बाद जो प्रोफाइलिंग शुरू हुई मुस्लिम्स की और जो इस्लामोफोबिया शुरू किया गया, इतना ज़्यादा किया गया कि दूसरी कंट्रीज़ को ये तक कहना पड़ गया कि मतलब आप इतना ज़्यादा इस्लामोफोबिया क्यों कर रहे हो। तो ये ऑथर ने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे इन सब चीज़ों को हमको देखना चाहिए कि ये जो क्राइसिस के मूवमेंट्स होते हैं ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होते हैं कि वो यूनिटी को प्रोवाइड करें, और यूनिटी ना होकर के और ज़्यादा वहाँ पे अगर डिवाइड आ जाए तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री। और हमारी इंडिया जो है उसकी हिस्ट्री रही है दैट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ कि अलग अलग कल्चर्स यहाँ पे मिलते रहे, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कोट किया है फिराक को कि सर ज़मीन हिंद पर अकवाम ए आलम के फिराक काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया, यानी कि कारवां फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड सेटल्ड इन दिस लैंड एंड देन दिस लैंड शेप्ड इनटू इंडिया। इंडिया ऐसे नहीं बना है, इंडिया बना है कारवां से जो कि विश्व के अलग अलग जगहों से आया, चाहे वो मुगल्स हों, चाहे वो अरब्स हों, चाहे वो ज्यूस हों, चाहे वो कोई भी पारसीज हों, ये सब अलग अलग जगहों से आए हैं और ये सब ने मिल करके हिंदुस्तान बनाया। दिस इज़ व्हाट द ऑथर सेज एंड हमको उस चीज़ को बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। सर्वधर्म संभाव की जो भावना है, द फीलिंग ऑफ सर्वधर्म संभाव, ये सारे जो रिलीजन्स हैं वो बराबर हैं और इनको एक तरीके से ट्रीट करना चाहिए। तो सेकुलरिज्म यही चीज़ इंडिया का सेकुलरिज्म है, प्लूरलिस्ट सेकुलरिज्म है, ना कि इतना ज़्यादा नैरो सेकुलरिज्म है, ठीक है ना। तो ऑथर ने इन सारी चीज़ों को बोला है, ऑथर थे इसके नजीब जंग, नजीब जंग ने आर्टिकल लिखा है। अगर आप नजीब जंग को नहीं जानते तो फिर मतलब बहुत बुरी कंडीशन है। तीसरा जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है थ्री मैसेजेस। अब ये थ्री मैसेजेस हम क्यों डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तीन मैसेजेस दिए हैं बेसिकली अभी अपने एक स्पीच में। तो तीन मैसेजेस क्या क्या है, तीन मैसेजेस हैं, पहला चाइना को, दूसरा वर्ल्ड को और तीसरा इंडिया को और इंडिया के सोल्जर्स को। तो जो चाइना को मैसेज दिया है उन्होंने वो ये कहा है कि द एरा ऑफ विकासवाद इज हियर एंड द एरा ऑफ कॉलोनियल एक्सपेंशनिज्म, यानी कि विस्तारवाद इज ओवर। तो द एरा ऑफ विकासवाद यानी कि डेवलपमेंट, द एरा ऑफ डेवलपमेंट इज हियर एंड द एरा ऑफ विस्तारवाद यानी कि द एरा ऑफ कॉलोनियल एक्सपेंशनिज्म इज ओवर। दिस इज व्हाट ही वांटेड टू से टू बीजिंग दैट दे शुड नॉट एंगेज इन टेरिटोरियल एग्रेशन, टेरिटोरियल एग्रेशन में उनको इंक्लूड नहीं होना चाहिए। दूसरा जो उन्होंने वर्ल्ड कम्युनिटी को मैसेज दिया है वो ये दिया कि द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द अदर कंट्रीज
which are viewing this serious condition, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया हैज़ अ ट्रेडिशन टू मार्च अहेड विद पीस एंड ब्रेवरी. तो पीस भी हमारे अंदर है और ब्रेवरी भी हमारे अंदर है, तो अगर हम पीस को मेंटेन तब तक रखेंगे जब तक कि बिल्कुल पानी सर से ऊपर ना चढ़ जाए. तो वो वर्ल्ड कम्युनिटी को यही मैसेज देना चाहते हैं कि वी विल यूज़ ऑल अवर डिप्लोमेटिक ऑप्शंस, वी विल एग्जॉस्ट ऑल अवर डिप्लोमेटिक ऑप्शंस बिफोर गोइंग इन टू सम अदर रिसॉर्ट. ओके, तो कुछ और करने से पहले हम सारे डिप्लोमेटिक ऑप्शन जरूर एग्जॉस्ट करेंगे. तीसरा है मैसेज टू इंडियन सोल्जर्स. टू हिज डोमेस्टिक ऑडियंस द एड्रेस सिग्निफाइड द गवर्नमेंट्स डिटर्मिनेशन टू फेस द चैलेंज एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. तो हमने अपनी कंट्री को मैसेज दिया कि हम हर तरीके से जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे प्रॉब्लम है उसको फेस करने के लिए तैयार है, चाहे वो कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी मिलिट्रीली प्रॉब्लम हो, इन सब को हम फेस करने के लिए तैयार हैं. फाइनली ही एड्रेस द सोल्जर्स देमसेल्फ, और उन्होंने ये कहा कि आपके वैलर को बिल्कुल सल्यूट किया उन्होंने. एंड उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आपका वैलर जो है वो वेस्ट नहीं जाएगा. उन्होंने इसको उनको फ्री हैंड भी इसीलिए दिया, ठीक है ना. री एनफ्रेंचाइज द फॉरगॉटन वोटर. अब ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा. ये एक इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म्स के लिए बोला जा रहा है बेसिकली. अभी इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि 65 से ऊपर के जो एज के लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको ये बोला कि आप COVID-19 में ज़्यादा रिस्की रहेंगे, इसलिए 65 से ऊपर के जो लोग हैं उनको भी पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रोवाइड कर दी. बैलेट जिसमें इलेक्ट्रॉनिकली निकलता है और ये भर के पोस्ट के माध्यम से भेजते हैं, ठीक है ना. तो पोस्टल बैलेट की सुविधा भी इन्होंने कर दी है फॉर 65 ईयर्स एन एज. इसके पहले जो ये सुविधा थी ये 80 से ऊपर के लोगों के लिए पास थी और जो डिसेबल्ड लोग थे उनके पास थी, ठीक है ना. आथर ने यहाँ पे ये बोला है कि आपको क्या करना चाहिए था. पहला तो ये आपको ये करना चाहिए कि आपको सीनियर सिटीजन्स के लिए बिल्कुल 65 के ऊपर के ना करके सीनियर सिटीजन्स के लिए एक डिफरेंट बूथ ही कर देना चाहिए था, सेपरेट बूथ कर देना चाहिए था जहाँ पे वोटिंग आपकी हो. 65 के ऊपर वाले बिल्कुल अलग वोटिंग करेंगे. आथर ने बोला कि 2-3 कैटेगरी ऑफ वोटर्स ऐसे हैं जिन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है, जैसे पहला कि माइग्रेंट कैटेगरी. तो आथर ने यहाँ पे माइग्रेंट्स का इशू उठाया कि माइग्रेंट्स अपना एक्सरसाइज नहीं कर पाते, वो एक तरह से क्वासी इनफ्रेंचाइज हो चुके हैं. क्वासी इनफ्रेंचाइज क्यों, मतलब कि उनको वोटिंग का अधिकार तो है लेकिन सिंस वो दूसरी जगह पर है जहाँ पे उनके वोटर कार्ड नहीं बने हैं, जहाँ पे उनके नाम अटैच नहीं है. अब क्यों नाम अटैच नहीं रहते वहाँ पे, क्योंकि वो उनके वहाँ पे सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाते हैं, ना अपने एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट दे पाते हैं. ये सारी चीज़ें काफ़ी दिक्कत क्रिएट करती हैं. तो माइग्रेंट वर्कर्स जो है वो क्वासी डिसइनफ्रेंचाइज्ड हो चुके हैं, दे आर द फॉरगॉटन वोटर्स. अब फॉरगॉटन वोटर्स क्यों हैं, क्योंकि वो एक तो वोटिंग के समय अपने घर नहीं जा पाते, इस कारण से उनको उनके कोई इश्यूज भी नहीं देखता है, कोई भी पार्टी मेंबर उनके इश्यूज नहीं देखता है. क्यों, क्योंकि उनको पता है कि ये वोट तो करते नहीं है, ये तो काम करने बाहर चले जाएंगे, तो उनके इशूज को क्यों ही देखा जाए. तो दे डू नॉट गेट देयर वर्दी अटेंशन. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. और इंटरनल माइग्रेशन इंडिया में 13 करोड़ का है, 13 करोड़ से ज़्यादा का इंटरनल माइग्रेशन है इंडिया में. तो हमको ये चीज़ समझनी चाहिए कि 13 करोड़ 14 करोड़ वोटर्स जो है वो एक तरीके से ऐसे हो गए हैं जो फॉरगॉटन वोटर्स की कैटेगरी में आ गए हैं. तो एक यही चीज ऑथर ने यहाँ पे सजेस्ट किया है, वन नेशन वन वोटर आईडी का यहाँ पे सजेशन ऑथर ने दिया, वन नेशन वन वोटर आईडी का सजेशन ऑथर ने दिया, ताकि ऐसे जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, वो भी वोट कर सकें. जो दूसरा इशू ऑथर ने उठाया वो है नॉन रेजिडेंट इंडियंस का, कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस भी उसी कैटेगरी में आते हैं जिसमें 3 करोड़ रजिस्टर्ड एनआरआई वोटर्स हैं, 3 करोड़ रजिस्टर्ड एनआरआई वोटर्स हैं. अब इन 3 करोड़ में केवल 1 लाख लोग वोट कर पाते हैं. क्यों, क्योंकि इनको वोट करने के लिए प्रॉक्सी अलाउड नहीं किया गया है, मतलब उनको आकर के फिजिकल प्रेजेंस में वोट करना पड़ता है, फिजिकल प्रेजेंस में वोट करना पड़ता है. तो ऑथर ने कहा है कि आपको क्या करना चाहिए कि आपको इनके जो फिजिकल से वो वाली चीज हटा करके प्रॉक्सी वोटर वाली चीज अलाउ कर देनी चाहिए. दे शुड बी अलाउड द प्रॉक्सी वोटिंग, ठीक है ना. ये देखो यहां पे लिखा हुआ है, लोकसभा टू इनेबल वोटिंग थ्रू ऑथराइज प्रॉक्सीज. ओके, देयर शुड बी to enable the NRIs to exercise the franchise, the government brought in legislation in previous Lok Sabha to enable voters through authorized proxies. While the legislation lapsed, ये legislation lapsed कर गया. It is interesting to contrast the concerns of NRIs with the lack of thereof poor migrant workers. तो NRIs का और poor migrant workers का, इन दोनों का issue उठाया गया है और author ने बोला है इनको ज़रूर आप allow करना चाहिए आपको, ठीक है ना. क्या कोई मॉडल है, तो हाँ, जैसे जो सर्विस वोटर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं पोस्टेड अवे फ्रॉम होम, दे कैन वोट थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम. तो ऑथर ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम का ऑप्शन दिया है कि ये जो सर्विस वोटर्स होते हैं, जैसे कि क्लासीफाइड सर्विस वोटर्स, मिलिट्री पर्सनल्स कैन डू सो थ्रू देयर प्रॉक्सीज. तो जो मिलिट्री वोटर्स हैं, क्लासीफाइड सर्विस वोटर्स हैं, मिलिट्री पर्सनल्स, वो अपने प्रॉक्सीज के थ्रू वोट करते हैं. जो आपके सर्विस वोटर्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, वो इलेक्ट्रॉनिकली
ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के थ्रू करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें बेसिकली आप कर सकते हो, एंड ये आधार लिंक्ड वोटर आईडी का सोल्यूशन आप इस तरह से केटर कर सकते हो जो माइग्रेंट वर्कर्स को, और आप इस तरीके के NRIs को भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो सारी चीज़ें हैं। ऊपर का जो आर्टिकल है वो है जो इंडिया अभी रिसेंटली केस हार गया है इन द बेसिकली परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, जो बेसिकली डिसीजन दिया है कि जो आपका मरीन वाला केस था जिसमें कि एनरिका लेक्सी में वो आए थे। एनरिका लेक्सी अगर आप सबके पूछे क्या करें तो इट्स इटालियन कमर्शियल ऑयल टैंकर, याद रखिएगा एनरिका लेक्सी इटालियन कमर्शियल ऑयल टैंकर था जो कि आया था, और उसमें उन्होंने क्या किया था कि एक इंडियन उनको गोली मार दी थी, इंडियन फिशरमैन को गोली मार दी थी इन मतलब कि ये सोचकर कि ये पायरेट्स हैं, इंडिया के कंटिग्यूस जोन में वो भी, ओके इंडिया के कंटिग्यूस जोन में गोली मार दी 20.5 नॉटिकल माइल्स, मतलब कि आपको पता ना कि 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर होता है, 24 नॉटिकल माइल्स तक कंटिग्यूस जोन होती है, और 200 नॉटिकल माइल्स तक आपकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होती है। अब ऑथर ने कहा है यहाँ पे इटलॉस के बारे में आया था, तो मैं आपको इटलॉस बता देता हूँ क्या होता है। इटलॉस का इस्टेब्लिश हुआ था 1996 में हुआ था। इट्स अ डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म अंडर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। तो ये डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, इटलॉस आपका इटलॉस का ही डिसीजन है बेसिकली ये। अब इटलॉस के अंतर्गत ही ये दे दिया गया है, तो ये हैमबर्ग बेस्ड है, हर हैमबर्ग आपका जर्मनी में, तो हैमबर्ग बेस्ड इटलॉस है। इटलॉस कहाँ पे बेस्ड है, हैमबर्ग में, 1996 में स्टार्ट हुआ था, एंड डिस्प्यूट मैनेजमेंट करता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के अंतर्गत, जो कि 1994 में आया। तो अनक्लॉस 1994 में आया और 1996 में हैमबर्ग जर्मनी में ये आपका इटलॉस बना दिया गया, ठीक है ना। तो ये ट्रिब्यूनल में 21 मेंबर होते हैं हु आर इलेक्टेड फ्रॉम अमंग पर्सन्स एंजॉइंग द हाईएस्ट रेपुटेशन ऑफ फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी। इनमें से 21 लोगों को बनाया जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू द कन्वेंशन, तो इंडिया भी सिग्नेटरी है इस कन्वेंशन का। ऑथर ने लेकिन ये चीज़ कही कि ये जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी गई है, एक तरह से जो इम्यूनिटी दी गई है ये मेरेनर्स को, ये गलत प्रेसिडेंट है, क्योंकि ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी देने का कोई प्रोविजन है नहीं अनक्लॉज में या इस तरह की चीज़ें में। ये वियना कन्वेंशन में केवल हेड्स ऑफ द स्टेट को दी जाती है। तो ऑथर ने यहाँ पे ये इशू उठाया कि हेड्स ऑफ द स्टेट को दी जाती है, ना कि इस तरह के मैराइनर्स को, इन सबको। तो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो। मेंस के क्वेश्चन मैंने नीचे कमेंट में डाल दिए, तो आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो दैट इज इट, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।